हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस के 100 से अधिक प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। क्या सही जवाब होगा? तरंग दैर्ध्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा है? तो जो नीला प्रकाश होता है उसमें उच्चतम ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो एक स्वस्थ शरीर का जो ताप होता है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वैद्युत उद्योग में अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में अभय घटक के रूप में विद्यमान होते हैं? तो जो आपका तांबा होता है वह आपका इन सभी में अभय घटक के रूप में विद्यमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है, तो जो नील गाय होती है वह आपका हिरण के कुल में आएगा, इसलिए हमारा क्या होगा बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज क्या निष्कासित करते हैं? तो प्याज आपका सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करते हैं जिसकी वजह से आंसू आते हैं, इसलिए हमारा बी क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो जो आपका निगरण स्वाइलिंग और वॉमिटिंग होता है वह मेडुला ओब्लॉन्गेटा इसका केंद्र होता है, इसलिए हमारा सी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन आपका डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो जो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह आपका प्यूटरी होता है, प्यूटरेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है? तो चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं है वह आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, तो डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है? तो जो वर्षा की बूंद गोल हो जाती है वो आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। हमारा ए ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, तो एडवर्ड टेलर द्वारा यह विकसित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो जो पीतल होता है उसमें आपका तांबा एवं जस्ता का संयोग होता है, इसलिए हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो जो ग्रेफीन है वह केवल कार्बन से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों मिलाकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मैग्नीशियम। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग है, तो यह आपका पराग कोष है सबसे उत्तम भाग, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही जवाब है, सभी पारदर्शी माध्यम के। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो डायनेमो क्या है, डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब? तो नोरियो टानीगुची 1974 में इसका प्रयोग किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, स्थलमंडल एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शक्कर के किण्वन में क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन में इथाइल अल्कोहल बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग जो है ये आपके शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूस्थिर उपग्रह का क्रांति काल या परिभ्रमण समय कितना होता है? तो यह आपका 24 घंटे होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा रहता है? तो वायुमंडल जो है पृथ्वी से, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जुड़ा रहता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु क्या होगा? अंतरिक्ष यान की गति का ही अनुसरण करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था यह किसने दिया था? आपका न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो ये ब्रह्मगुप्त थे जिन्होंने न्यूटन से पहले बता दिया था कि सही वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी पिंड का भार ध्रुव पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या था? किसी पिंड का भार ध्रुव पर सबसे अधिक होगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारहीनता होती है, तो भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो यह आपका डॉपलर प्रभाव के द्वारा सुस्पष्ट रूप से कृत्रिम उपग्रह को ट्रैक किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आज के इस वीडियो में हमने लगभग 50 से अधिक प्रश्नों को कवर किया है। उम्मीद करता हूं एग्जाम की दृष्टि से ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे और आपके ये काम अवश्य आएंगे। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।